निगम चुनाव नजदीक आने से सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 31 के पूर्व पार्षद सरोज चौहान ने केएनएन के साथ खास बातचीत में बताया कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सुख सुविधा देने के लिए कई काम करे, जिससे सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच नर्मदा पानी को लेकर दिख रही थी। पूर्व पार्षद चौहान के वार्ड में ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ पर नर्मदा पानी लोगों के बीच नहीं पहुँच पाता था, और पार्षद चौहान ने बताया कि जिस दिन से वह पार्षद बनी उस दिन से उनका सबसे पहला काम लोगों के बीच नर्मदा का पानी पहुंचाना ही उद्देश्य रहा। वहीं दूसरी ओर कोरोना का हाल ही में मरीजों को वैक्सीनेशन से जोड़ना और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना वह अपना दायित्व समझती थी, और जब से टीकाकरण शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक वैक्सीन सेंटर पर ध्यान देती हैं यह उद्देश्य से कि सभी को समय पर वैक्सीन लगे। पूर्व पार्षद ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्याएं भी आई थी जिनका निराकरण करना बेहद जरूरी था। वार्ड में ऐसी बहुत सी घनी बस्तियां हैं जहां पर छोटी छोटी गलियां होने की वजह से नर्मदा का पानी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, जहां पर 50-100 पानी के टैंकर इन पानी की समस्या को हल करने के लिए वार्ड में लग जाते थे, जिसमें मालवीय नगर, चित्रा नगर, पटेल भाग कॉलोनी, पूनम पैलेस, साथ ही में न्यू शीतल नगर, श्रीराम नगर, ऐसी 20 से 25 कॉलोनी में नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाता था। इस समस्या को पार्षद ने नर्मदा लाइन डलवा कर दूर करा है, और घनी बस्तियों के बीच वार्ड में कभी भी गार्डन देखने को नहीं मिलते थे। बच्चों के खेलने कूदने के लिए गार्डन बनाए गए, और साथ ही साथ ड्रेनेज की समस्याओं को भी हल करना। और कोरोना काल को लेकर चौहान ने बताया कि विधायक रमेश मेंदोला और कार्यकर्ताओं के सहयोग से घर घर जाकर राशन से लेकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। 4 महीनों से वार्ड में वसंत विहार पानी की टंकी पे वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जहां पर रोजाना 400 से 500 वैक्सीन लोगों को लगाई जाती है। जिस दिन से मैं पार्षद बनी हूँ उस दिन से सबसे पहला काम मेरा नर्मदा का पानी देना ही उद्देश्य रहा है, क्योंकि कई ऐसी घनी बस्तियां हैं मेरे वार्ड में जहां पर छोटी छोटी गलियों में नर्मदा का पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता था। कम से कम 50 से 100 टैंकर मेरे वार्ड के अंदर लगते थे, तो उसको समस्या को देखते हुए मैंने सबसे पहले अपना तय करा कि मुझे नर्मदा लाइन डलवानी है और रहवासियों को पानी देना है। तो कम से कम कुल मिला के 20 से 25 कॉलोनियाँ ऐसी थी जिसमें नर्मदा का पानी बिल्कुल भी नहीं आता था। अब जैसे वो कॉलोनियों के नाम हैं मालवी नगर, चित्रा नगर, पटेल बाग कॉलोनी, पूनम पैलेस, न्यू शीतल नगर, और अपने जय अम्बे बाग कॉलोनी, श्री राम नगर, शीतल नगर बी, कल्प कामधेनु नगर, इतनी कॉलोनियों में, मालवी नगर 1 नंबर गली, इतनी कॉलोनियों में नर्मदा का पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं था, जिसको मेरे सतत प्रयासों से और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से वहाँ पर नर्मदा की लाइन का चालू की गई, और आज की तारीख में सारे रहवासी बड़े खुश हैं और नर्मदा का पानी बहुत अच्छा मिल रहा है। पानी के अलावा जैसे ड्रेनेज के काम बहुत सारे किए गए हैं, हम खेल कूद को देखते हुए घनी बस्तियाँ हैं, एक भी गार्डन नहीं थे रहवासियों के, उनको समस्याओं को देखते हुए उनके खेलकूद के लिए गार्डन बनाए गए, वहाँ पर पौधे लगाए गए, लाइटों की व्यवस्था की गई, ड्रेनेज की लाइन डाली गई, ये सारे काम बहुत अच्छी तरह से वार्ड में रहवासियों की समस्याओं को सुन के किए। कोरोना को जैसे पहला दौर कोरोना काल का चालू हुआ, सबसे मेन था लोगों के लिए घर घर उनकी जांचें कराना, उनको निशुल्क राशन वितरण कराना, इसमें कर रहा था। जब हम लोगों ने घर पहुंचा के टीम को, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी, कम से कम बहुत सारी उसकी गिनती नहीं कर सकते इतने लोगों की घर बैठे उनकी मदद करी, उनकी जांचें कराई, और फिर उनको अगर ऐसी कोई व्यवस्था लगी कि मतलब हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए या बेड चाहिए तो कहीं से भी हमने उपलब्ध कराया हो, लेकिन हमने जोरदार मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने उपलब्ध कराई, हमने उपलब्ध कराई, और ये सब हम लोगों ने सतत प्रयास करते रहते हैं। वैक्सीनेशन को लेके जैसे ही प्रधानमंत्री जी के आदेश आए कि कोई भी रहे ना, बाकी जनता को, हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को घर से निकाल कर वैक्सीनेशन करवाना है,
हम हमारे कार्यकर्ता पूरी गलियों में एक एक गली में गए, पर घर में गए, लोगों से मिले, उनको समझाया। क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जब कोरोना काल खत्म हुआ उस समय दौर में जनता बहुत डर गई थी, कोई वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने बोला ऐसा हो रहा है, किसी ने बोला वैसा हो रहा है, तो डर से निकाल के उनका मन का भय निकाला। हम लोगों ने उनको समझाया, हाथ जोड़ के विनती करी। और जब से हमने बसंत बिहार पानी की टंकी पे सेंटर चालू करा, आज 4 महीने हो गए हैं, सतत जिस दिन सेंटर चलता है रोज 400-500 यहाँ पर वैक्सीन लगती है। आने वाले पार्षद चुनाव में बिल्कुल तैयारी है हम लोगों की, लगे हम लोग तो सतत रोज हर दिन लोगों का काम करते हैं, रहवासियों की समस्या सुनते हैं, और जैसा भी आदेश होगा संगठन का वैसा करेंगे, और तैयारी हमारी पूरी है चुनाव की। किसी वार्ड से तैयारी रहेगी आपकी? इसे हमारी तो तैयारी इसी वार्ड से है, फिर संगठन जहाँ से विधायक जी और संगठन जहाँ से आदेश करेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्षद सरोज राघवेंद्र सिंह चौहान, उनको निःशुल्क राशन वितरण कराना, इसमें विधायक जी का पूरा सहयोग रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, घर घर जाके उनकी समस्याएं सुनी। ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा था, हमारे कार्यकर्ता और हम वार्ड में जाके हम लोगों ने घर घर राशन उपलब्ध कराया। दूसरा कोरोना काल आया, उसमें भी बड़ी परिस्थिति थी, तो वहाँ किसी को ऑक्सीजन, किसी को बेड, किसी को इंजेक्शन, हॉस्पिटलाइज, सबको ने व्यवस्था कराई सबके। जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, जब हम लोगों ने घर पहुंचा के टीम को, स्वास्थ्य विभाग की जो। KNN न्यूज़ के लिए इंदौर से कशिश टंकवाल की रिपोर्ट।